अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जफर खान J11 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मारूफ आलिम दीन मुस्लिम बरसल्ला बोर्ड के रुकन और दारुल उलूम देवबंद के साबिक़ तर्जुमान मुफ्ती एजाज अरशद खासमी का आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक उन्हें कोरोना पॉजिटिव था और उनका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। इनकी उम्र तकरीबन 46 साल थी। इनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बेटी और 1 बेटा वालिदैन भी हैं। मुफ्ती एजाज अरशद की शोबे में सरगर्मियाँ थीं। दारुल उलूम देवबंदी के फराखत के बाद कई अखबारात से वाबस्ता रहे और दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान की हैसियत से भी काम किया। वो जमात आलिमा से भी कुछ दिनों तक मंसूख रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के रुकन भी रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से PhD की थी। वो बहुत माल निसार और लोगों के काम आने वाली शख्सियत थी। उन्होंने कम वक्त में अपनी शख्सियत बनाई थी। इनकी 5 सियासी लीडरें और सियासी पार्टियां तक भी थी और कई सियासी लीडरों के साथ उन्होंने काम भी किया। इनके इंतकाल पर जमात उलमाए हिंद से वापस्ता मौलाना अजीम उल्ला सिद्दीकी, मौलाना ज़ियाउल्लाह और दीगर शोबे से वापस्ता लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया है। नाज़रीन, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए J11 न्यूज़ के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। देखते रहिए आपका अपना मनपसंद चैनल J11 न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।